Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some one more minute to go. Srishti, Varalika, Rup Kumar, Gyanesh, Shubham. 30 more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? Can you see me? Can you see me? Or is voting line me? Can you see me? Yes, yeah, no. True, yeah, false. Anuj, Suraj, Kishan, Rahul, Monica and others. The answer is yes. So we will start the class. 2% log bol rahe nahi dekh sakte. To aap apne keyboard par control R ya control shift R press kariye. Chrome browser use kariye. Add on disable kariye. Incognito mode mein login kariye and hopefully it should work. Abhi ye economy aur use mein padhata hun alag alag pillar mein. To pehla pillar money banking finance insurance. To ab tak ke lecture mein hum logon ne dekh liya ye money banking, monetary policy, CRR, SLR, repo rate wagera, share market, corporate governance, in sab mein kya kya updates rahe aur uske baad naye budget aur economic survey mein kya baat hui. Abhi aaj hum badh rahe hain pillar 1D. तो वहां पर ये इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या नए डेवलपमेंट आए कोई नई गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे बजट वो देखेंगे और उसके बाद वाले क्लास में जब मिलेंगे देन वी विल मूव टू द सेकंड पिलर दैट इज बजट जीएसटी 15 फाइनेंस कमीशन वगैरह वगैरह तो आगे बढ़ने से पहले ट्राई दिस क्वेश्चन पिछली बार जब हम मिले थे और पिलर 1 सी शेयर मार्केट के अपडेट देखे थे What is the objective of bilateral netting of qualified financial contracts Act 2020? Arhata prapta vittiya samvidha ka dvipakshiya netting be 2020 adhiniyam ka uddesh kya hai? Statement A. Set up a new mechanism to replace the LIBOR with SOFR interest rate. LIBOR ke sthan par ye naya SOFR byaj tantra lana. B. Facilitate the MSME to pledge their unpaid invoices for borrowing money. छोटे उद्योग का बकाया बिल गिरवे रखे पैसा कर ले सके ऐसी प्रणाली को प्रोत्साहित करना स्टेटमेंट सी बैन द पी नोट्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया भारत में पी नोट निवेश को प्रतिबंधित करना या स्टेटमेंट डी नन ऑफ द अबव या ऑप्शन ई आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपका वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब प्रगति विनय रितेश विरल मयंक प्रदीप कुणाल भार्गव करिश्मा विजेंद्र विनोद लवली शिवम भार्गव जय योगेश आशा पवन ज्ञानेंद्र सूरज डॉक्टर वीके जयश्री देवा गीता जीशान कार्मेल अंकित रूपेश राजेश प्रशांत कुमार उज्जवल हिमांशु शोएब ये सब लोग फिर पलाश सुमन जितेंद्र गौरव लव सुशील निकुंज साहिल सिद्धार्थ फराज एंड अदर्स करेक्ट आंसर हाँ तो करीब 30% लोगों को लगा डी जवाब होना चाहिए लेटेस्ट चेक भाई पिछली बार हम लोग मिले थे मंगलवार था बायलेटरल नेटिंग ऑफ द क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है मान लीजिए दो इन्वेस्टर हैं जेठालाल और बीडे मास्टर और एक्स डेट या वाई कंडीशन में ये जेठा ने 8 लाख के इक्विटी मतलब शेयर्स डेट यानी ये बॉन्ड डिबेंचर वगैरह या कोई दूसरे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इधर से लेने हो बीडे ने उसको देने और वाई डेट या एक्स कंडीशन में सामने से उसको कुछ रिसीव करना हो
तो इसने 10 देना है, सामने इसने 8 देना है, तो उस हिसाब से नेट प्लस 2 इस साइड पर शिफ्ट कर दिया जाए। दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस पेमेंट मैकेनिज्म। तो लिबोर और एसओएफआर भाई वो तो दुनिया ही अलग है, लंदन का वो इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट, एसओएफआर यूएसए की चीज, उसका और भारत में ये सबको रिप्लेस करने के लिए ये कानून नहीं है। एमएसएमई अपने अनपेड इनवॉइसेस प्लेज करे, वो तो टीआरईडीएस सिस्टम, वो तो चीज ही अलग है। पी नोट इन्वेस्टमेंट को बैन करना, उसको बैन नहीं किया, उसको सेबी ने अलाउ किया है, लेकिन उस पर अलग अलग नियम होते हैं। तो सी भी गलत, तो मतलब जवाब क्या है, डी, नॉन ऑफ दी अबो, कोई भी नहीं। ये दूसरा प्रश्न ट्राई करिए, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेबी। सेबी हैज लॉन्च्ड स्कोर पोर्टल फॉर रैंकिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। भारत के सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड का रैंकिंग देने के लिए स्कोर पोर्टल बनाया है। सेकंड स्टेटमेंट, सेबी हैज लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ द शेयर मार्केट। शेयर बाजार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निगरानी करने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम बनाया है। और आपके ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। विपुल, ऋतिक, अशोक, कुशाग्र, अनिमेश, वैशाली, परमवीर, अमृत, सलोनी, आरी, हैदर, शौर्य, ओम नारायण, मोहित, सिद्धांत, कस्तुब, राज, शैली, तुषार, वंदना, अभिषेक, विनोद, विश्वजीत, अजय, समरीन, शशि, विशाल, अमित, अतुल, नवदीप, कश्यप, एकता, हेमंत, प्रिंस, हार्दिक, रजत, श्रीलेखा, निकुंज, मयंक, श्रद्धा, रोहित, पानीश्वर, वैशाली, ये सब लोग, फिर पलाश, गौरव, साहिल, फराज, निखिल, चीना, दानिश, प्रज्ञान, हर्ष, मोनिमोय एंड अदर्स, करेक्ट आंसर। करीब 30% के आसपास को लगा डी। लेट अस चेक, ये भी लास्ट टाइम हम मिले थे, हमने पढ़ा था। स्कोर्स पोर्टल किसके लिए, कंप्लेन बुक करवाने के लिए। आप में शेयर मार्केट में आपसे कुछ धोखा हो गया और आप सेबी को कंप्लेन करना चाहते हैं, स्कोर इज एन ऑनलाइन पोर्टल। और स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया वो किसके लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन, निवेशकों को और सब सूझबूझ देने के लिए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब फ्रॉड होता है, इसमें ना जाए वगैरह, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शेयर मार्केट को मॉनिटर करने के लिए नहीं है। सो बोथ आर रॉन्ग एंड द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। तो मतलब ये कहाँ है भाई, ये हमने पढ़ा है और फ्री वाले लेक्चर में ही पढ़ा है। आप जाइए unacademy.com/mrunal.org, जो मेरी प्रोफाइल है, फिर अलग अलग ये रो होते हैं, तो तीसरे रो में जाइए जिसको लिखा होता है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास, वैसे तो फ्री भी लिख सकते हैं, लेकिन शायद वो मार्केटिंग और MBA पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पेशल लिखेंगे तो लोग उसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे। हालांकि फ्री में भी मैं तो इतना ही सीरियसली पढ़ाता हूँ। खैर, तो उसमें आप जाइए और आप वो सारे वीडियो देखिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब। इसके अलावा UPSC मेंस के सब ऑप्शनल सब्जेक्ट के बड़े बड़े डेलीकेट टीचर्स, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पवन कुमार, एंथ्रोपोलॉजी हिमा बिंदु, ज्योग्राफी ऋषिकेश दुधात, ये सब भी पढ़ा रहे हैं। और उन सभी की प्रोफाइल में आप पाएंगे कि ऐसा स्पेशल क्लास वाला नीचे विंडो होता है, मतलब वो बेसिकली फ्री क्लास है। तो आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो आराम से वो सब फ्री क्लास आप देखिए कि वो लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं, मॉडल आंसर में क्या है, कुछ टॉपिक्स वो पढ़ाते हैं, एनालिसिस देते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं, इट विल गिव यू मोर आइडिया। और जिन लोगों ने अभी ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं किया और सपोज समवन है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूँ या एंथ्रोपोलॉजी लूँ, तो आप बैठ के दोनों के थोड़े थोड़े वीडियो देखिए कहाँ पर आपको ज़्यादा समझ और ठीक लग रहा है, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल, ये जितने स्पेशल क्लास है आराम से आप देखते जाइए और उसका फायदा उठाइए। अनलॉक कोड है mrunal.org। खैर, ऐसे ही सब फ्री इवेंट बहुत सारी चलती रहती है अनअकैडमी में। एक तो हर सोमवार को रात 8 बजे मैं जो वो यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ उसके 20 प्रश्नों की क्विज होती है। फिर हर अल्टरनेट मंगलवार को, जैसे 6 तारीख, उसके बाद अभी 20 तारीख को हम वापस मिलेंगे, तो इकोनॉमी के अपडेट्स की ये Win21 सीरीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं आज। अगले मंगलवार भी प्रोग्राम है 13 अप्रैल,
उस वक्त ऑब्जेक्टिव है कि ये यूपीएससी इंटरव्यू आने वाले हैं तो उनमें कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं, मैं पिछले कई सालों से मॉक इंटरव्यू में बैठता हूँ, तो उस हिसाब से कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो सबने बचना चाहिए, सो दैट इज द आइडिया। तो आप भी उसमें फायदा लीजिए। और हर रविवार होती है एक सुबह 11 बजे लाइव क्विज अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसको मैं कहता हूँ पबजी कॉम्बैट, की जहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडीज के, और फिर आप उसके सब एंड्रॉयड ऐप पर वो क्विज आप दे सकते हैं। ये जो क्विज होती है उसमें फायदा क्या है, कुछ आपको इनाम पेड सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं, उसमें बड़े बड़े डिस्काउंट भी मिलते हैं, अमेजोन गिफ्ट कार्ड वगैरह, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो चीज क्या है, एक तो चलता है मेरा इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स, जहाँ पर हम थियरी, करंट, कंटेम्पररी इशू सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब ऐसे जिन लोगों ने वो फुल लेंथ कोर्स कंप्लीट किया हो एक बार, तो बार बार वापस बैठने की जरूरत नहीं। उसके बाद जितने नए अपडेट आते हैं वो मैं फ्री में रिलीज करता हूँ, जिसे हम कहते हैं पिछले साल किया था तो Win20 सीरीज, इस साल जो कर रहे हैं वो है Win21 सीरीज। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लेटेस्ट बजट, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, और पिछले साल अक्टूबर से कौन कौन से नए अपडेट आए। अक्टूबर से पहले वाले अपडेट वो भी कवर हो चुके हैं, लेकिन वो Win20 सीरीज पिछले साल में। अभी ये करते करते हम लोगों ने ये पांचवा लेक्चर आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ये इंश्योरेंस पेंशन वगैरह के अपडेट्स देखने हैं। तो शुरू करते हैं, नए नए अपडेट्स क्या है। अप टू लास्ट अक्टूबर तो हमने पढ़ लिया था, पिछले वाले सब फ्री सीरीज में मेरी प्रोफाइल पे जाके आप देख लीजिए। उसके बाद नया क्या हुआ, LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक 1956 में बना। उससे पहले भी भारत में कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां, लेकिन वो सब धांधली बहुत करते थे, सब्सक्राइबर जो भी पैसा उसे दे तो अपने जो भी जीजा साला जमा को वो सब इन्वेस्टमेंट में दे देंगे, कोई आदमी मर जाए फिर उसको कॉम्पेंसेशन में उसकी फैमिली को पैसा नहीं देंगे वगैरह वगैरह, तो ये जो कांड होते थे। तो सॉल्यूशन क्या था, भारत सरकार ने ये सारी प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन, और उससे बना LIC। हम LIC को क्या बोल सकते हैं, चार्टर्ड कंपनी नहीं बोल सकते। चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, जिसको कोई राजा रानी ने अधिकार पत्र दिया हो चार्टर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटेन के राजा या रानी ने दिया था। फिर एक होती है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई कंपनियां, उसको हम सिंपली रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। और फिर तीसरा होता है स्टैट्यूटरी कंपनीज, मतलब अलग कानून से जिसे बनाया गया हो, जैसे RBI एक्ट, LIC एक्ट, SBI एक्ट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, EPFO, ESIC वगैरह। तो ऐसे स्टैट्यूटरी कंपनियां, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में से एक है LIC। अभी LIC तो है ही, इसमें नया क्या है, पिछले बजट में भी बोला था और अभी लेटेस्ट 2021 का बजट है उसमें भी बोला है कि हम ये LIC का IPO निकालेंगे। अभी वो कैसे निकल सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि LIC क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, मतलब उसका अलग कानून है। उसमें लिखा होगा सब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% शेयर होल्डिंग या जो भी। अभी आप चाहते हैं कि उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO निकले, जिसमें लिखा हो कि इसके इतने सारे शेयर हैं, हम बेचना चाहते हैं। तो बेचने से पहले आपने क्या करना होगा, ये LIC एक्ट में सुधार करना होगा, ताकि वो एक प्रकार की पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए, क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो अपना IPO लॉन्च कर सकती है। फिर सरकार लॉन्च करेगी तो शुरुआत में 100% शेयर सरकार के पास, फिर धीरे धीरे बेचते जाए ऐसा सोचेंगे, ऑल द वे अप टू परहैप्स 51% तक गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, बाकी सब बेच देगी। तो इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश पिलर 2 में, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कि और इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं। बेसिकली गवर्नमेंट सेलिंग द शेयर होल्डिंग, इसे फायदा क्या है, जो भी पैसा सरकार को मिले वो सब अलग अलग गरीब कल्याण योजनाओं में, वेलफेयर स्कीम में यूज करेंगे। दूसरा फायदा, जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो उस हिसाब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के डायरेक्टर आके बैठेंगे, तो वो ज्यादा प्रोफेशनलिज्म से LIC को चला सकते हैं। अभी LIC ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, IDBI नाम की एक बैंक में जो कि लॉस में चल रही है, ILFS नाम की एक NBFC कंपनी जो भी लॉस में और चल रही है। तो इस टाइप का थोड़ा तमाशा कम हो और पेशेवर तरीके से संचालन हो, ये भी फायदा हो सकता है। तो ये बात हुई लाइफ इंश्योरेंस की। जीवन बीमा, मतलब मरना जरूरी है तो आपकी फैमिली को पैसा मिले। इसके अलावा होता है जनरल इंश्योरेंस, मतलब मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा वगैरह। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हैं और कुछ सरकारी कंपनियां भी हैं। एक है नेशनल इंडिया एश्योरेंस, दूसरा नेशनल इंश्योरेंस, तीसरा यूनाइटेड इंडिया, चौथा ओरिएंटल, और फिर ये चार जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फिर एक नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अलग चीज़। और फिर एक GIC,
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो क्या है, री इंश्योरेंस का काम करती है, तो वो भी अलग है। खैर ये सब जो सर्कल मैंने बनाया, इन लोगों ने मिलकर शेयर होल्डिंग से एक और पांचवी कंपनी बनाई, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये सब जो संस्था है, इसमें ये जो येलो कलर वाली तीन है, तो 2018 बजट में कहा था कि हम इनको मर्ज कर देंगे, जैसे वो विजया बैंक, देना बैंक को, कुछ बैंक को बड़ौदा में मर्ज करने की बात, या एसबीआई के अंदर दूसरे बैंक मर्ज हुए, ऐसा इन तीन को आपस में मर्ज कर देंगे, ऐसी कुछ बात हुई थी, हालांकि अभी तक नहीं हुआ है। और 2021 बजट में ये कहा कि ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से एक को प्राइवेटाइज कर देंगे, किसको, वो अभी नाम रिलीज करना बाकी है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। जनरल इंश्योरेंस में क्या, वैसे जनरल इंश्योरेंस में जिन लोगों ने पुराना फुल लेंथ कोर्स किया था, आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ा था, सुरक्षा बीमा योजना, ESIC, फिर ये अलग अलग जनरल इंश्योरेंस की नई नई स्कीम्स, उसमें जो नए अपडेट्स आ रहे हैं वो अभी हम आज देख रहे हैं। तो हम लोग ये हैंडआउट में पेज 45 तक पहुंचे हैं। तो नए क्या अपडेट्स हैं, ESIC क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भी LIC की तरह एक स्टैचूटरी कॉरपोरेशन है। क्यों, क्योंकि उसका अलग कानून है, 1948 में इसका अलग कानून बना जिसके अंदर ये संस्था बनाई गई, और उस हिसाब से उसने काम असल में 52 में शुरू किया, लेबर मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। मित्रों ये ESIC में भी उसके ऑफिसर और असिस्टेंट की अलग से एग्जाम होती है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली वेबसाइट पे जाइए और उसका FAQ पेज पढ़िए। यहाँ पर हम पूरी डिटेल नहीं देख रहे हैं, हम तो UPSC के लिए 3-4 मेन मुद्दे देख रहे हैं। हाँ तो ESIC में मतलब चीज क्या होती है, कोई भी नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, सरकारी, निजी क्षेत्र, जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हो, और उनमें ऐसे लोग जिनकी सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम हो, उस केस में उस वर्कर की सैलरी का मान लीजिए Y% कट होगा, उसके मालिक की पॉकेट से X% कट होगा, और ये सब प्रीमियम के रूप में जाएगा ESIC में। और उससे क्या होगा, ये जो वर्कर है उसकी फैमिली है उसको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस और सब मेडिकल चेकअप वगैरह मिलेगा। तो ये क्या, नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, मतलब राउंड द ईयर 365 डेज जो बिजनेस में हो। सीजनल फार्म लेबरर्स, कभी कभी फसल कटाई में आपने 4 लोगों को या 40 लोगों को बुला लिया तो उसका ESIC होगा, नहीं हो सकता। तो ये ओरिजिनल नियम था। फिर आया कोरोना, कोरोना के बाद आया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत में सरकार वापस इकोनॉमी को खड़े करने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स ले रही है, तो उसमें ये ESIC का कवरेज भी बढ़ाया गया। पहले क्या था, ऐसे कोई भी नॉन सीजनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो, तो पहले क्या था, 10 या उससे ज्यादा तो कंपलसरी था ये, मतलब बॉस के पॉकेट से Y% कटे, वर्कर की सैलरी का X% कटे और वो जाए ESIC में। आत्मनिर्भर में ये कहा गया कि अगर 10 से कम लोग भी काम करते हो तो भी ये वाली योजना उस पर लागू होगी, इफ इट इज अ हैजार्डस इंडस्ट्री, जोखिम पूर्ण उद्योग हो, जैसे ये सब कार बैटरी वाला, क्योंकि आप जानते हैं इसमें सब एसिड और खतरा रहता, उसी तरह फायर क्रैकर्स, पटाखों का, पेस्टिसाइड और दूसरे जहरीले केमिकल्स, देन इट विल बी कंपलसरी, और बाकी सब जो इंडस्ट्री है वहां पर वॉलेंटरी। अब ये जो ESIC में आपका पैसा गया, मतलब मिलता क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डिसेबिलिटी कवर वगैरह। मेडिकल बेनिफिट मतलब क्या, वर्कर को मुफ्त में इलाज होगा। मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ, मतलब मान लीजिए महिला वर्कर थी तो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद जितने महीने तक वो नौकरी पे नहीं जा पाई तब भी उसको थोड़ा सैलरी मिलता रहे, ऐसी चीज। मान लीजिए फैक्ट्री में वो एक्सीडेंट में मर गया व्यक्ति, तो उसकी फैमिली को कुछ पैसा मिलेगा, मुआवजा, कॉम्पेंसेशन। जितने दिन बीमार रहे, नौकरी पे नहीं जा पाए, तो उस वक्त आपको सैलरी का कुछ हिस्सा मिलेगा। आप परमानेंटली डिसेबल हो गए, फैक्ट्री में कोई मशीन गिरी, अपाहिज हो गए, तो भी मुआवजा मिलेगा। एंड लास्टली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मान लीजिए फैक्ट्री बंद हो गई और आपकी नौकरी चली गई अनैच्छिक रूप से, इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने खुद से नौकरी नहीं छोड़ी, आप काम करना चाहते, फैक्ट्री बंद हो गई फॉर सम रीजन, तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वो ESIC का ही हिस्सा है, लेकिन उसकी योजना का नाम अलग, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। खैर तो ये भी हमने देख लिया, ESIC में कुछ अपडेट आए। फिर कोरोना हेल्थ वर्कर के लिए 50 लाख का इंश्योरेंस, वो ऐसी बात है, हैंडआउट में पढ़ोगे, एक लाइन की बात है कुल मिलाकर, कि ये जो भी डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर
कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान काम कर रहे हैं और उनका खुद का मृत्यु हो जाए तो उनकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिलेंगे, दैट इज द आइडिया। उसके बाद के दूसरे क्या क्या मुद्दे, संजीवनी, कोरोना कवच, ये सब क्या है, ये आरोग्य संजीवनी और कोरोना कवच क्या है? देखिए, जनरल इंश्योरेंस मतलब मरना जरूरी नहीं है, उसके अलावा वाले जैसे कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो होते हैं जनरल इंश्योरेंस। उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए हम कहें फिक्स्ड बेनिफिट, निश्चित लाभ। मान लीजिए आप ऐसी पॉलिसी खरीदे, इसमें ऐसा लिखा हो आपको कैंसर हो जाएगा तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। इट डजेंट मैटर आपका हॉस्पिटल बिल क्या है, 10 लाख आया, 60 लाख आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 50 लाख देंगे, बस आपको कैंसर होना चाहिए। सो दैट इज अ फिक्स बेनिफिट स्कीम। दूसरी हो सकती है इंडेमनिटी बेस्ड स्कीम, क्षतिपूर्ति आधारित। मतलब वो ये कहेंगे कि अप टू दिस मच इज कवर्ड। मान लीजिए ये 5 लाख रुपीज, अप टू 5 लाख रुपीज ट्रीटमेंट कॉस्ट इज कवर्ड। तो मान लीजिए आपका बिल अगर 1.5 लाख रुपीज आया, 1.5 लाख, तो कितना देंगे, ये 1.5 लाख रुपए देंगे। मान लीजिए आपका बिल आया हॉस्पिटल का 6 लाख रुपए, तो ये कितना देंगे, अप टू 5 लाख इज कवर्ड, तो 5 लाख देंगे, फिर एक्स्ट्रा 1 लाख आपने अपने पॉकेट से देना होगा। सो दैट इज इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी। पहले भी हमने पिछले साल भी पढ़ा था, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें ये सब गरीब फैमिली को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, वो एक प्रकार की इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है। मतलब ये गरीब आदमी को हार्ट का कोई ऑपरेशन किया और 1 लाख का खर्चा है तो सरकार कितना उसमें देगी हॉस्पिटल को, 1 लाख। मान लीजिए 6 लाख का है तो कितना देगी, 5 लाख, अप टू 5 लाख रुपीज इज कवर्ड। फिर लोअर मिडिल क्लास के वर्कर्स, उनके लिए क्या, जो अभी हमने देखा लेस देन 21,000 रुपीज की सैलरी हो, तो फिर ESIC में आप करें, जो अभी कुछ लाइस पहले हमने देखा ESIC वाली पॉलिसी, वो खरीद सकते हैं, जहां पर उनके पॉकेट से X% जाए, उनके मालिक के पॉकेट से Y% जाए वगैरह। अभी बाकी जो लोग बचते हैं, मिडिल क्लास एंड रिच पीपल, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो अपने पैसों से खुद पॉलिसी खरीदनी है। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है कि कौन सी पॉलिसी मेरे लिए बेस्ट है, हाउ कैन आई फाइंड आउट। अब वैसे तो आप सब policybazaar.com वगैरह पर नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉलिसी होती है, अपोलो म्यूनिज, ऑप्टिमा, रिस्टोर्ट, ICICI लोम्बार्डीज, रॉयल सुंदरम, दैट अलग अलग प्रीमियम होते हैं, उसकी अलग अलग कवरेज का मतलब टेन्योर होता है, ये एक इतने साल की हो, वो उतने साल की हो, तो आपस में वो रेशियो निकाल के खुद से एक्सेल फाइल से एनालिसिस करने बैठो तो कुछ जमे। तो प्रॉब्लम ये आती थी सब कस्टमर्स को कि सीधी साधी समझ में आए ऐसी कोई पॉलिसी दे दो। ये ऐसा है कि सब मोबाइल फोन इतने होते कि हमें समझ में नहीं आता, तो कोई सरकार ऐसा नियम बना दे कि कुछ ऐसे मोबाइल फोन होंगे कि जो 10 से 15 हज़ार की रेंज में होंगे और उसमें इतने इतने कैमरा होना चाहिए, फिर दूसरे होंगे 20 से 25, उसमें इतना इतना होना चाहिए, तो तुरंत आसानी से कंपेयर हो सके और उनका नाम भी एकदम समझने में आसान हो कि एक कैमरा वाला फोन, दो कैमरा वाला फोन। सो देयर शुड बी समथिंग ईजी। ये सब देखते हुए IRDAI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने ये कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, वो मन चाहे उतनी पॉलिसी लॉन्च करे कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक आसानी से समझ में आ जाए ऐसी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी, जिसका नाम होगा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी - नेम ऑफ द कंपनी - नेम ऑफ द कंपनी में जो भी आपका ICICI लोम्बार्ड है या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वगैरह। और ये क्या होगा, इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसी, जो हमने आगे पढ़ा इंडेमनिटी क्या होता है। फिर ये सब जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, आपने भी उसमें दिमाग बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने कब पढ़नी चाहिए, इफ दिस वॉज अ गवर्नमेंट स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये तो सब कंपनियों को बोला आप ऐसा बनाइए ताकि लोग आसानी से समझ सके। तो उसमें क्या होगा कि कहा जाएगा मिनिमम 50,000 से लेके अलग अलग आप पॉलिसी बनाइए। तो मान लीजिए कंपनी ये कहे कि 3 लाख रुपए का कवर दे रहे हैं, जिसका प्रीमियम होगा 2,400। कंपनी बी बोले कि हम भी 3 लाख का दे रहे हैं, उसका प्रीमियम होगा मान लीजिए 2,300 रुपए। तो फिर आप आसानी से उसको कंपेयर कर पाएंगे और खरीद पाएंगे। नाउ सेम प्रॉब्लम इज देयर इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, मरना जरूरी है तो आपकी फैमिली को पैसा मिले। अभी उसमें भी इतनी सारी पॉलिसी सब चलती हैं और उसकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन और अलग अलग महीनों की अलग अलग सब, तो समझ में नहीं आता कौन सा ले। तो यहाँ पर भी कोई स्टैंडर्ड चीज़ होनी चाहिए कि हर कंपनी बोल दे हमारा ये एक कैमरा वाला फ़ोन है और इसका प्राइस 10 से 15 हज़ार में जो चलता हो, तब फिर तुरंत ओके ठीक है, सब में एक समान प्रोसेसर है, सब में एक समान कैमरा है, इसका 10,000 है, इसका 15,000, तो मैं अपने हिसाब से खरीद लूँ।
तो बस ऐसा इंश्योरेंस कंपनियों पर IRDAI ने बोला कि आपने सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करनी होगी, बेस्ट नेम ऑफ योर कंपनी सरल जीवन बीमा, HDFC अर्गो या सरल जीवन बीमा जो भी, ICICI लॉम्बार्ड या जो, तो ऐसा आप कुछ करें कि SBI वाला लॉन्च करेगा, HDFC वाला लॉन्च करेगा, इसका प्रीमियम होगा 500, मान लीजिए उसका 600, और फिर वो सब कंपेयर कॉन्ट्रास्ट आप और भी कर सकते हैं कि मान लीजिए SBI लाइफ में 94% लोगों के क्लेम पास हो जाते हैं और HDFC में 99% लोगों के क्लेम पास हो जाते हैं और 1% लोग मर जाएं लेकिन उनकी फैमिली को वो पैसा रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं ये पॉलिसी में नहीं था। सो नाउ यू कैन इजीली कंपेयर कि ठीक है 500 के सामने 600 और इतना ये ज़्यादा है तो मैं इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। सो दैट इज़ द आइडिया, सरल जीवन बीमा क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गरीबों के लिए लॉन्च किया है ना, ये सब क्या है प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कस्टमर अंडरस्टैंडिंग IRDAI ने ये सब करवाया है। आरोग्य संजीवनी खत्म। कोरोना कवच क्या है, कोरोना कवच क्या है वो हमने इसलिए तैयार करना क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको बोला गया है। तो हम लोग इधर है जनरल इंश्योरेंस, सब टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना कवच पॉलिसी। ये कोरोना क्राइसिस बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था या बस अब उनको इतने साल बाद अब लगा नहीं लेना चाहिए, बहुत खर्चे आते हैं वगैरह, तो IRDAI ने सब कंपनियों को बोला, सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, कंपल्सरीली अनिवार्य रूप से आपने ये पॉलिसी लॉन्च करनी होगी कोरोना कवच, आपकी जो भी कंपनी ICICI वगैरह जो, ये एक प्रकार की इंडेमनिटी पॉलिसी होगी, मतलब अप टू द एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट। मान लीजिए आप 5 लाख की पॉलिसी खरीदे, हॉस्पिटल में खर्चा है 2 लाख, तो कितना कंपनी हॉस्पिटल को देगी 2 लाख। मान लीजिए 60 लाख का खर्चा है तो कंपनी कितना देगी 5 लाख, और फिर 2 लाख आपने अपने पॉकेट से देने होंगे, और इस तरह से 50,000 से 5 लाख रुपए तक की कवरेज वाली पॉलिसी होगी। तो ये कोरोना कवच में क्या है, जितना खर्चा होगा उतना बीमा कंपनी अस्पताल को देगी अप टू द लिमिट, जो भी मैक्सिमम 5 लाख लिमिट बोली, और आपने सब फीस देनी होगी, ये कोई फ्री में सरकारी योजना नहीं है, यू विल हैव टू पे द प्रीमियम। तो ये हो गया कोरोना कवच। उसके सामने दूसरा है कोरोना रक्षक, ये ऑप्शनल स्कीम है, मतलब IRDAI ने सब कंपनियों को कहा आपने कंपल्सरीली ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जरूरी नहीं, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस बनती हो तो लॉन्च करिए। ये जो कोरोना रक्षक है वो फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है, मतलब क्या, आपको कोरोना हो गया तो जो भी लिखा होगा पॉलिसी में, मान लीजिए 2.5 लाख, तो उतना मिल जाएगा, इट डजेंट मैटर आपको हॉस्पिटल में 1,000 रुपये में ट्रीटमेंट हो गई या 10,000 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको 2.5 लाख रुपये दे देंगे। सो दैट इज कोरोना रक्षक, यू विल गेट द सब्सक्राइबर विल गेट द फिक्स्ड अमाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट। अभी आप में से कुछ लोग ये भी सोचे हाँ तो ये तो मतलब बेस्ट दिखती है, मैं कल ही सुबह जाता हूँ रस्ते पे रेंदना शुरू कर देता हूँ, धूल मिट्टी सर पे डाल देता हूँ, मुझे कोरोना हो जाए और सीधे ये तो 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, इसमें भी नियम होते हैं कि खरीदोगे उसके अप टू 14 डेज तक वेट करना होगा और पॉजिटिव वाला रिपोर्ट ला के दिखाना होगा एंड सो, और वैसे भी अब तो प्रीलिम करीब आ रहे तो ये क्या ऐसे सस्ते काम में जाना है, कोई बड़ा सोचिए कि सीधा ही मैं ऑफिसर वाली एग्जाम क्लियर कर दूँ जिसमें इतनी सैलरी मिलती हो वगैरह। वैसे आप policybazaar.com पे जाके ये सब और पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फायदा नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ इतना जानना था कोरोना कवच क्या है, इंडेमनिटी, कोरोना रक्षक क्या है, फिक्स्ड बेनिफिट, ये भी क्यों करना है क्योंकि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ऐसा सब हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो डन। तो अब देखिए मिडिल क्लास रिच पीपल ने क्या करना है, ये संजीवनी कोरोना कवच वगैरह अपने पैसों से खरीदना है। लोअर मिडिल क्लास के जो वर्कर है उन्होंने क्या करना है, ESIC खरीदना है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिसमें वर्कर का 1% ओनर का 1% सब्सक्रिप्शन में जाएगा। उसके अलावा वाले जो गरीब लोग हैं, करीब 10 करोड़ गरीब परिवार, उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सरकार मुफ्त में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली है, जिसको कहा जाता है इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी। प्रीमियम कितना, प्रीमियम फ्री है क्योंकि गरीब को फ्री में मिला, सरकार प्रीमियम तो भरेगी। तो अब हम यहाँ पर हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके सब सेलियंट फीचर और नए इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया वगैरह वो भी हम पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
All right, friends, 30 more seconds. ओके मूविंग ऑन, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, वहां पर इकोनॉमी का मेरा फुल लेंथ कोर्स भी चलता है, जहां पर थियरी, कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स मेंस कंबाइंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके क्लासेस रात 9 बजे होते हैं, गुरु शुक्र शनि रवि वगैरह, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर सभी लोग लाइव में अटेंड कर सके। सपोज आप लाइव में ना अटेंड कर सके तो रिकॉर्डेड वीडियोज भी अपनी सुविधा से आप देख सकते हैं। वहां पर भी ऐसे सब कलरफुल पावर पॉइंट अलग से रैपिड रिवीजन के सब हैंडआउट होते हैं। हर हफ्ते वेनसडे को क्विज होती है, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ाओ, ताकि बाकी लोगों के सामने रैंकिंग से आपको पता चले कि आप कहां पर हैं, और थोड़ा स्ट्रेस बने कि मुझे और ज्यादा तैयारी करनी है दूसरों के सामने। और हैंडआउट अपनी ये विन 21 सीरीज के हैंडआउट तो मैंने अपलोड किए हैं, उसके अलावा फुल लेंथ हैंडआउट जहां पर आपको ये सब सारे रैपिड डिवीजन हो सके, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी, वहां पर भी ये सब कलरफुल चार्ट डायग्राम और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के हिंदी ट्रांसलेशन भी होते हैं, ताकि मेंस जिनको हिंदी गुजराती वगैरह में लिखना हो सुविधा रहे। और ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ऐसी चीज है कि जहां पर एक फीस में सारे ही शो अनलॉक हो जाते हैं, जैसे वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार में होता है, चाहे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी। और अनअकैडमी ने अभी एक नई नीति बनाई है, मान लीजिए आप अप्रैल महीने में सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का, तो वो खत्म कब होगा? वेल, थियरी के हिसाब से तो 2022 अप्रैल में खत्म होना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना है अगर प्रीलिम एग्जाम देरी से होगी तो जितने महीने देरी से होगी उतना फ्री में देंगे। सो सपोज नेक्स्ट ईयर प्रीलिम जुलाई में होगी, तो जुलाई तक आपका अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए अगस्त में होती है तो अगस्त तक, मान लीजिए अक्टूबर में होती है जैसा कोरोना के चलते हो, तो तब तक एक्सटेंड हो जाए। तो उसी तरह 2 साल का आप लेंगे तो वो 2023 की प्रीलिम जब होगी तब तक उसको फ्री में एक्सटेंड करते रहेंगे ये लोग। सो दैट इज द ऑफर। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी सब बड़े बड़े सीनियर फैकल्टीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे सब जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग अलग बैच, बाइलिंगुअल भी होते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, शुद्ध हिंदी में भी होते हैं उसके अलग टीचर्स, प्योर इंग्लिश में भी हैं। सेपरेटली देयर इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, मतलब वो एड ऑन होता है कि जहां पर आपको एक मेंटर या पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा, जो कि ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस पास किया हो, इंटरव्यू तक पहुंचा हो, ऐसे लोग आपको असाइन किए जाएं जो आपका मेंस आंसर राइटिंग का सब इवेल्युएशन करे, आपको जो भी अलग अलग जगह पर सब्जेक्ट में डाउट हो उसमें मदद मिले वगैरह। तो ये सब चीजें, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन, और चेकआउट के दौरान कूपन कोड यूज करें mrunal.org फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। खैर अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पीएम जय योजना, और उसमें क्यों लाई गई, क्या फीचर, और फिर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है वो हमने देखना है। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021, वहां पर उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम बात करें पब्लिक गुड्स, वाटर, पेयजल, सैनिटेशन, स्वच्छता, ये जो भी टॉयलेट वगैरह बनाने, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, मेडिकल केयर, स्वास्थ्य चिकित्सा, स्कूल, शिक्षा, तो अमीर लोग तो उसके प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ ही लेंगे, अच्छे से अच्छी सेवा वो ढूंढ ही लेंगे, जरूरत हुई तो वो तो दूसरे देश में भी चले जाएंगे इफ दे आर नॉट हैप्पी विथ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल केयर में आप पाएंगे कैंसर, तो कैंसर में भारत में भी अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन आप कुछ बॉलीवुड स्टार देखेंगे वो अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। गरीब आदमी ये सब नहीं कर सकता, देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, सरकार ने उनके लिए योजनाएं बनानी होगी। हालांकि वहां पर इकोनॉमिक सर्वे ने एक प्रॉब्लम देखा, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन प्रॉब्लम। हॉरिजॉन प्रॉब्लम इज टाइम हॉरिजॉन कितना है, मतलब मान लीजिए सरकार ये सोचे एक डैम बना लेते हैं ना, अगर एक डैम बनाए तो कितना हो सकता है, 25 साल लग जाए उसमें, तो 25 साल बाद डैम बनेगा तो अभी तो इलेक्शन 5 ईयर में आने वाले, तो हमको उसमें कौन सा वोट मिल जाने वाला है। तो ऐसे जो लॉन्ग जेस्टेशन,
लंबी अवधि वाले प्रोजेक्ट होते हैं सरकार उससे मतलब उसको नेगलेक्ट करती है, और जो छोटी छोटी चीज तुरंत चुटकी बजा के दिख जाए कि फ्री में आपको मिक्सचर ग्राइंडर देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, मोपेड देंगे, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड देंगे, इस टाइप की लोक लुभावन वाली चीज शॉर्ट टर्म गेन के लिए देने की एक प्रथा आजकल आप कई सारे इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में देखते होंगे. सो बिकॉज द टाइम होराइजन ऑफ इलेक्शन साइकिल इज 5 ईयर्स, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑफर्ड. जबकि अगर हम बात करें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, स्कूल, स्कूल में अगर कोई ऐप ऐसा सोचे, कोई सरकार ये कह दे कि हम इतना अच्छा स्कूल बनाएंगे कि आपके बच्चे को मतलब कुछ कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ही वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर देगा, तो वो तो 1 से लेके 12 साल तक उसकी पढ़ाई होगी, फिर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेगा, फिर आप खुश होकर सरकार को वोट देंगे, तो वो तो कब होगा. तो ऐसे सब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले चीजों को सरकार नेग्लेक्ट करती है. ये जो प्रॉब्लम है उसको कहा गया हॉरिजॉन प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी. खैर फिर भी कभी कभी सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे थाईलैंड, किधर है ये भारत, फिर चले बांग्लादेश, फिर म्यांमार, नहीं वहां दमाल जा रही है तो समंदर से चलते हैं, इधर भी नहीं इधर से चलते हैं. हाँ तो थाईलैंड ये रहा. अभी थाईलैंड में एक फ्री तो नहीं बोल सकते 30 बात हेल्थ इंश्योरेंस की, गरीब आदमी ने थोड़ा पैसा देना है, सरकार कुछ पैसा देगी और उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जिसके चलते मतलब वहां पर बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ. एंड थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू एलिमिनेट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. माता से बच्चे में, शिशु में HIV संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना, क्योंकि वहां पर यह सब हुआ. तो भारत में भी कुछ तो प्रयोग हुए हैं. बजट 2018 में सरकार लेकर आई आयुष्मान भारत योजना, जिसके 2 कंपोनेंट थे. कंपोनेंट ए, हॉस्पिटल अपग्रेड करेंगे, मतलब ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उसमें मतलब और दीवारों पर अच्छा कलर लगाएंगे, पंखे 2 और फिट करवाएंगे, कुर्सी कुछ नई लगवाएंगे, और फिर अब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, अब उसको बोलेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और फिर वहां पर मुफ्त दवाई, चेकअप, मदर चाइल्ड केयर वगैरह मिलेगा. सो दैट इज पार्ट ए, हॉस्पिटल अपग्रेड. एंड देन पार्ट बी, हेल्थ इंश्योरेंस, मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा. शुरुआत में उसका नाम कुछ और था, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, लेकिन लगा कि फिर इलेक्शन में ये बोलेंगे तो बोलने में, याद रखने में मजा नहीं आता, गरीबों को आसानी से समझ आए, तो नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. मिलता क्या है, 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस गरीब फैमिली को. तो ऐसा करके गांव में 8 करोड़ परिवार, शहरों में 2 करोड़ परिवार, कुल मिलाकर 10 करोड़ परिवार. नाउ अज्यूमिंग कि हर एक परिवार में 5 लोग हैं, तो कितने, 50 करोड़ लोग इसमें कवर हुए होंगे. कोई एज लिमिट नहीं, कोई फैमिली साइज लिमिट नहीं, मतलब घर में 1 बच्चे हों या 12 बच्चे, सब कवर. 5 लाख रुपए प्रति फैमिली प्रतिवर्ष मिलेगा, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, उसके लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011, उसके हिसाब से जिन जिन लोगों का उस लिस्ट में नाम आएगा उनको दिया जाएगा. ये सब तो चल ही रहा था, ये MCQ आप ट्राई करिए. फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट PM सेहत स्कीम. स्टेटमेंट 1, इट इज मेंट फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए है. रेसिडेंट मतलब नागरिक नहीं, निवासी होना चाहिए. सेकंड, इट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है. थर्ड, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम, ये आयुष्मान भारत का हिस्सा है. ये PM सेहत अलग चीज है भाई, PM जय नहीं, ये PM सेहत नाम अलग है. ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 2, यह मात्र 3, और आपका टाइमर शुरू होता है अब. कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन उनके स्क्रीन पे आने रहे. मित्रों इधर एक फुल स्क्रीन ऐसा कुछ बटन होता है, फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन करिए ताकि वो सही से सब दिखे. नवीन, कुणाल, ओम, रिद्धि, सुष्मिता, पूजा, शिक्षा, सुबोध, अनिरुद्ध, इकबाल, इंदर, राहुल, उज्जवल, मनदीप, निखिल, अनिमेश, नितिन, हर्ष, सिद्धांत,
Rahul, Rohit, Raj Kapoor, Manoj, Santosh, Naveen, Rahul, Harsh, Fanil, Zishan, Shrishti, Madhav, Abhijit, ye sab log fir, Nikunj, Pragyan, Abhijit, Harsh, Moni, Akash, Shivam, Abhishek, Prince, Mihir and others, correct answers. हाँ भाई, तो पीएम सेहत स्कीम अभी हमने पढ़ा, वो चीज अलग है, वो तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 करोड़ परिवार को मिलेगा जो गरीब होना जरूरी है वगैरह। ये पीएम सेहत क्या है, वो नया अपडेट जो हमने पढ़ना है। देखिए, आयुष्मान भारत वो एक चीज है जिसके नीचे दो कंपोनेंट है, एक तो हॉस्पिटल अपग्रेड करेंगे वो हमने देख लिया, दूसरा कंपोनेंट था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जहां पर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अभी उसके अंदर हम कहें रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा वाला, तो वहां तो मैंने आपको बताया कि जो सिर्फ गरीब लोग हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से उनको मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये तो हमने पढ़ लिया। फिर एक दूसरा कंपोनेंट जिसे मैं कहूँ B2, वो जम्मू कश्मीर के लिए जिसको कहा गया पीएम सेहत। ये पीएम सेहत योजना क्या है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, वहां के सभी निवासियों के लिए, मतलब इन अदर वर्ड्स अमीर गरीब जो भी हैं, गरीब होना जरूरी नहीं है, व्हेन दे से ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये हो गया B2। और फिर एक तीसरा भी कंपोनेंट है B3, आयुष्मान CAPF 2021, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और उनके परिवारों के लिए है। अभी इसका हम लोग देखें कि कौन कौन एलिजिबल है इसमें, आसाम राइफल, BSF, सशस्त्र सीमा बल, CRPF, CISF, NSG, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, उनके परिवारों को। अब आप देखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया में तो गरीब होना जरूरी है तो आपको फायदा मिले, अगर आप CAPF की ये सब नौकरी करते हैं तो उसमें गरीब तो नहीं बोल सकते, अच्छी सैलरी होती, लेकिन उनको भी लाभ मिले इसलिए ये योजना का ऐसे अलग से नोटिफाई किया है, और वो कंपोनेंट का नाम क्या है, आयुष्मान CAPF 2021। हाँ, तो इट इज मेंट फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए है। प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली, हाँ पीएम सेहत में मिलता है, लेकिन कहाँ, जम्मू कश्मीर की हम बात करें। आयुष्मान भारत का कंपोनेंट है, हाँ, तो जॉब क्या है, ओनली 2 एंड 3। ये सब तो चल ही रहा था, ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021, उसमें क्या कहा है उन्होंने आयुष्मान भारत के बारे में। जय हो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ आउटकम, तो नाम में हिंट दे दिया, जय हो मतलब क्या है कि सब बहुत अच्छा हो गया है, घी दूध की नदियां बह रही हैं वगैरह, तो नाम लिया फिर उन्होंने वेस्ट बंगाल का, जिसने ये योजना लागू ही नहीं की। उसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें यूनियन गवर्नमेंट 60% पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट ने 40% देना है फॉर द ऑर्डिनरी स्टेट, ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह में शायद हो सकता है अलग हो, 80-20 या 90-10 कुछ, तो वहाँ की तृणमूल सरकार, किधर है वेस्ट बंगाल ये रहा, वहाँ की तृणमूल सरकार का ये कहना था कि जब हम अगर 40% पैसा दे रहे हैं तो ये योजना में नाम प्रधानमंत्री क्यों है, उसका कुछ अलग नाम होना चाहिए ताकि कोई भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी या पर्सन को लाभ ना मिले। और दूसरा, वेस्ट बंगाल की अपनी कुछ स्वास्थ्य साथी स्कीम है जहां पर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पहले से हम लोग अलग से दे ही रहे हैं, तो हमको ये योजना लागू ही नहीं करनी। तो फिर ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे उसका Volume 1 Chapter 9 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने ये किया कि पश्चिम बंगाल ने नहीं लागू किया तो उसके आसपास ये बिहार और असम वगैरह जो दिखते हैं वहां पर सीन क्या है, उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है तो उधर बेहतर है, यहाँ पर खराब है, हेल्थ की सिचुएशन क्या है। तो बस कुल मिलाकर यही कहना है उनका कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने ये योजना लागू नहीं की इसलिए वहां स्वास्थ्य में पिछड़ी रह गई, और बिहार और असम और सिक्किम, ये बिहार फिर असम सिक्किम ये लोग आगे बढ़ गए। बस फिर वही साबित करने के लिए कि वेस्ट बंगाल में सीन क्या है, ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम, और बिहार वगैरह में सीन क्या है, ये राइट साइड वाला कॉलम, और मतलब कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जहां पर ये योजना लागू हुई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की फैमिली प्लानिंग, दो बच्चों के बीच कितना अंतर है परिवार में,
bal mrutyu dar, infant mortality, then female sterilization, pill usage वगैरह, मतलब जो भी ये birth control, परिवार नियोजन के साधन इस्तेमाल होते हैं. Awareness about HIV and AIDS. अभी आपको प्रश्न हो इसमें HIV AIDS का awareness का किधर angle है? वो ऐसे मित्रों की अगर hospital में free treatment मिल रही है तो बहुत सारे लोग जाएंगे, और जाएंगे तो अलग अलग poster देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, doctor कुछ दो बात उसको बताएंगे, तो AIDS की awareness बढ़ती है. तो पश्चिम बंगाल में मतलब नेग्लिजिबल इंप्रूवमेंट, और बिहार वगैरह में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट क्योंकि वहां पर ये योजनाएं वगैरह. उसी तरह डायरिया, दस्त हो जाए बच्चों को तो ओरल हाइड्रेशन सॉल्ट ORS का घोल पिलाना चाहिए, वो भी वेस्ट बंगाल में कम पता इधर. तो मतलब कुल मिलाकर एक प्रकार से पॉलिटिकल कलर वाला ये पूरा चैप्टर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक हद से ज्यादा कुछ ये सब काम का नहीं, सिवा कि यूपीएससी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और कुछ बोलना, अदरवाइज इन जनरल टर्म्स यू कैन राइट कि हाँ जन आरोग्य योजना से ये सारे सारे फायदे हुए हैं. एंड लास्टली कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप कि हाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से इट हैज इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स, HIV AIDS फैमिली प्लानिंग वगैरह की अवेयरनेस बढ़ी है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्वाभाविक है बहुत सारी सर्जरी वो तो डॉक्टर ने खुद ही मना कर दिया था कि अभी सर्जरी नहीं करनी, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है वगैरह. सो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन फियर, ट्रांसपोर्टेशन लॉकडाउन, बहुत सारी सर्जरी लोग नहीं करवाने आए, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उसके जो क्लेम्स होते होंगे बिल का वो स्वाभाविक है थोड़ा कम हुआ होगा. हालांकि डायलिसिस, वो किडनी खराब हो जाए और फिर डायलिसिस करवाना हो नियमित रूप से, उसमें गरीब लोग आते रहे तो वो दिखाता है कि जन आरोग्य योजना में लोगों का विश्वास है वगैरह. सो ऐसा सब अप्रिशिएटिव टोन में आप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट द आंसर. तो ये हो गया जन आरोग्य योजना. अभी कुछ मिसेलेनियस डेवलपमेंट्स वो देखते हैं. हम लोग पहुंचे अप टू पेज 48. जनरल इंश्योरेंस में मिसेलेनियस क्या हमने आगे देखा, ये आरोग्य संजीवनी मतलब क्या है, आसानी से समझ में आ जाए ऐसी सब कोई लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप दीजिए. उसी तरह से आसानी में समझ में आ जाए ऐसी होम इंश्योरेंस फैक्ट्री इंश्योरेंस की पॉलिसी दीजिए. तो मकान में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, आप उसकी ये पॉलिसी खरीद सके और आसानी से अलग अलग कंपनियों की ऐसी पॉलिसी कंपेयर कर सके. देयर शुड बी फीचर्स लाइक दिस. तो भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा, फायर नेचुरल डिजास्टर के लिए ये सब लेकर आए हैं. फिर मतलब ये तो आपने अपने पैसों से खरीदना है, सरकार आपको नहीं दे रही है, यू हैव टू बाय इट. क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये एक प्रकार का जनरल इंश्योरेंस है. मान लीजिए फाइजर या कोई भी कंपनी वो अपनी कोई नई वैक्सीन या मेडिसिन का ड्रग ट्रायल कर रही है, और सामने जो भी वॉलंटियर पेशेंट है वो मर जाता है या उसको कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो वो फाइजर के सामने मान लीजिए 500 करोड़ का दावा ठोक दे, तो फाइजर ने अपने पॉकेट से 500 करोड़ नहीं देने होंगे, वो सब इंश्योरेंस कंपनी देगी, ऐसा पूरा प्रोटेक्शन कवर. इसके अलावा साइबर इंश्योरेंस, मतलब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, कोई उसे हैक कर दे, कोई स्टोरेज में आपका डेटा चुरा ले, फिशिंग, पासवर्ड ब्रेक कर लिया वगैरह, जो जो चीज होती है उससे बचाने के लिए साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी आपने अपने पैसों से खरीदनी होती है, सरकार फ्री में गरीबों को दे रही है ऐसा नहीं. ये साइबर इंश्योरेंस में से लेटेस्ट यूपीएससी प्रीलिम में एक एमसीक्यू पूछा गया था, मैंने आपको हैंडआउट में दिया है, लेकिन उसका आंसर अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे. उसका कारण ये है कि अलग अलग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की आंसर की में जवाब अलग अलग है. अभी वैसे भी यूपीएससी की फाइनल आंसर की आएगी जब ये इंटरव्यू स्टेज खत्म होगा और फाइनल रिजल्ट, तो तब हम देखेंगे कि असल में जवाब क्या है, क्योंकि अभी देखें तो भी वापस उस वक्त देखना होगा अच्छा यूपीएससी को ये लगा नहीं लगा. सो विल सी इट दैट टाइम. ऑफिशियल आंसर की आने दो. पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे तो डीमैट अकाउंट समझा था, मतलब आपके पास ये जो शेयर बॉन्ड होते हैं उसको ऑनलाइन स्टोर किया जाए और सब आप डिजिटली मतलब उसका ट्रांजेक्शन करें. तो अगर शेयर को डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन स्टोर करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, जवाब है हाँ. उसके लिए होता है ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी EIA. जैसे वो NSDL नाम की एक संस्था जो शेयर के भी डीमैट अकाउंट खोलती है, उस तरह उन्होंने इसके भी बना के रखे. फायदा क्या है, सब डिजिटल होगा तो काम में सुविधा. अलग अलग मान लीजिए आपने एक कंपनी से व्हीकल इंश्योरेंस लिया, दूसरे से फायर इंश्योरेंस, तीसरे से हेल्थ इंश्योरेंस, चौथे से लाइफ इंश्योरेंस, तो कितनी फाइल संभाल के रखोगे,
किसकी कब एक्सपायरी डेट है कैसे पता चले, ऑनलाइन होगा तो आप तुरंत देख के सब काम कर सकते हैं। ये सब इंश्योरेंस में चल रहा है तो भारत में अच्छा या बुरा हुआ कैसे पता चले। अगर हम करें हेल्थ एजुकेशन वगैरह की बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, महिलाओं के लिए तो जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। तो ऐसा इंश्योरेंस के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं कि नहीं, जवाब है हाँ। एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा है इंश्योरेंस डेंसिटी। पेनिट्रेशन मतलब भारत देश का जीडीपी कितना है, मान लीजिए 222 लाख करोड़ या जो भी। जीडीपी क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया इन अ गिवन ईयर, जिसके बारे में पिलर फोर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए 222 लाख करोड़ हमारा जीडीपी हो, उसके सामने भारत देश में ये लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस वगैरह के प्रीमियम में कितना पैसा आ रहा है, जो भी एक्स रुपीज आते हो उसको टाइम्स 100 करो तो जो परसेंटेज में जवाब आए करीब 3% से कम आता है, तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम से जीडीपी को डिवाइड करो तो लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मिलेगा। दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, मतलब भारत की कुल आबादी कितनी है और सामने प्रीमियम में कितना पैसा आ रहा है। तो पता चला लाइफ इंश्योरेंस में $55 पर पर्सन इतना प्रीमियम आ रहा है। अब अगर हम दूसरे सब देश देखें जैसे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, उनके सामने हम लोग काफ़ी पीछे हैं, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। उसके सब इंडिकेटर आपके हैंडआउट में दिए हैं। तो एमसीक्यू में याद कितना रखना है, ये डेफिनेशन वो खास याद रखनी, और पेनिट्रेशन का जो परसेंटेज में आएगा, डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादातर कब होती है कि कोई आंकड़ा होगा और नीचे पॉपुलेशन से आप डिवाइड करेंगे, सो दैट इज डेंसिटी। ये सब मतलब है कि देखिए आप यूएसए में वहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा है और उसके सामने भारत में कितना कम है वगैरह। तो इसे बेहतर करने का एक तरीका हो सकता है, क्यों ना भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और अनुमति दी जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन एंटिटी इन एन इंडियन कंपनी मोर देन 10% शेयर होल्डिंग, भारत की कोई कंपनी का कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी खरीद ले तो हम उसे कहते हैं FDI हुआ। अगर 1, 2, 3, 4 करके 10% तक ही खरीदे तो हम उसको कहते हैं FPI हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI कब होता है, विदेशी आदमी ने भारत की कंपनी का 10% से ज्यादा हिस्सा खरीदना होगा। तो मान लीजिए कोई भारत की इंश्योरेंस कंपनी हो HDFC लाइफ, जिसकी ओरिजिनल शेयर होल्डिंग हो 100% सभी भारतीय लोगों के पास, और फिर ऐसा किया जाए कि फॉरेनर्स को 49% शेयर होल्डिंग बेच दो तो भारतीय लोगों के पास बचे 51% शेयर होल्डिंग। इसे और आगे किया जाए कि 74% फॉरेनर्स के पास रहे और भारतीय के पास 26% रहे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है दो तरीके से। फर्स्ट, इंडियन शेयर होल्डर ये मुनीम जी अपने शेयर्स ये फिरंगी को बेच दें, फॉरेनर को सेकेंडरी मार्केट शेयर मार्केट में बेच दे, एक तरीका। या दूसरा ये हो सकता है, मान लीजिए HDFC लाइफ का ओरिजिनल कैपिटल हो 100 करोड़, उस हिसाब से शेयर्स हो, फिर HDFC ऐसा कर दे कि मैं और एक्स्ट्रा जो भी मान लीजिए कि 300 करोड़ के नए शेयर्स इशू करता हूँ और उसमें वो ज़्यादातर फॉरेनर को बेचे और भारत वालों को नहीं बेचे, कंपनी इश्यूज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए एक होता है IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पहली बार शेयर्स बेचे जाएं, फिर होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, दूसरी बार शेयर्स नए जारी किए जाएं अगर कंपनी को ज़्यादा पूंजी कैपिटल चाहिए। तो ऐसे FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसमें और एक्स्ट्रा शेयर इशू किए जाएं जो फॉरेनर्स को बेचे जाएं, तो अपने आप इंडियन लोगों की शेयर होल्डिंग डाउन हो जाएगी, फॉरेनर्स की बढ़ जाएगी, और उस हिसाब से मान लीजिए कि 300 करोड़ के और एक्स्ट्रा शेयर इशू किए गए हों तो उतना ये कंपनी को कैपिटल यानी पूंजी मिल जाएगी, जिसके चलते वो नए नए ऑफिस खोले, एडवर्टाइजमेंट में पैसा डाले, अपने मार्केटिंग सेल्स एजेंट को अपॉइंट करे, ये सब फायदे हो सकते हैं। ऐसा सोचकर भारत सरकार ने तय किया कि ये सब इंश्योरेंस कंपनी में FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% करनी चाहिए। प्रेजेंटली मतलब 2021 के बजट से पहले सीन ये था कि फॉरेनर्स की भारतीय इंश्योरेंस कंपनी में शेयर होल्डिंग 49% से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें SBI बैंक का 62% और अलग अलग फॉरेन कंपनी का कुछ था। SBI जनरल इंश्योरेंस, तो उसमें SBI बैंक का 74% और फिर अमेरिका की एक कंपनी और अजीम प्रेम जी का कुछ शेयर होल्डिंग था। अभी आइडिया ये है कि इसको बड़ा बड़ा कर 74
तक फॉरेनर्स के हाथ में रहे, ऐसा कुछ सीन सोचना चाहिए। तो प्रश्न, ऐसा कुछ करेंगे उसके क्या फायदे या नुकसान। सबसे पहले हम डिसएग्री कर लेते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी। पहला कारण ये, विरोध में कारण, कि अगर भारतीय इंश्योरेंस कंपनी की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग अगर फॉरेनर्स के पास चली गई तो उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके लोग बैठेंगे, तो सब फॉरेनर अपने हिसाब से करेंगे, तो वो तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा भारत गुलाम हो जाएगा। दूसरा, ये जो सब प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो कई बार मिस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब शुरू में आपको कहेंगे कि आपको कोई भी बीमारी है सारा पैसा हम दे देंगे हेल्थ इंश्योरेंस में, असल में आप बीमार हो जाए तो बोले नहीं ये तो कैंसर है, नहीं ये तो डायबिटीज में ये टाइप का है, तो हम पैसा देंगे नहीं देंगे। सो इन रियलिटी दे विल रिजेक्ट मेनी इंश्योरेंस क्लेम्स ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स, ताकि उनका प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ जाए जितना आपको कंपेंसेशन में पैसा ना देना हो। ऐसा सोचकर ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, कम्युनिस्ट, ये सब लोग विरोध करते हैं कि ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म और सब बदमाशी करेंगे, इधर सब विजय माल्या और यस बैंक टाइप का होगा। तीसरा कारण, ये सब लोगों के पास जब पैसा आएगा, फॉरेन कंपनियां जो भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में डोमिनेट करने लगे, क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन का सारा पैसा, वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, यानी मतलब नुकसानी में चल रही कंपनियां के जो जंक बॉन्ड होते हैं, जहां पर इंटरेस्ट ब्याज तो अच्छा मिले लेकिन कंपनी कोलैप्स होने का जोखिम ज्यादा हो, जैसे ILFS वगैरह, उसी में ये क्लाइंट का सारा पैसा डाल देंगे जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए, एंड दैट विल हार्म द इकोनॉमी। और चौथा, हम लोग आगे पिलर टू बजट में भी पढ़ेंगे कि कैसे ये गूगल, फेसबुक, अमेजोन वगैरह भारत में अलग अलग टैक्स नहीं देते हैं, अलग अलग कानून का फायदा उठा के चले जाते हैं, तो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स वो भी भारत से पैसा कमाएंगे लेकिन टैक्स में पैसा की रकम नहीं देंगे, एंड इट विल हार्म अवर गवर्नमेंट को, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होगा, गरीब कल्याण का योजना में पैसा चाहिए। तो इंश्योरेंस में FDI को और अनुमति नहीं दिए, एंटी आर्ग्यूमेंट देखे। अभी फेवर में आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि नहीं नहीं ये सब करना चाहिए, ज्यादा विदेशी निवेश से भारत को लाभ होगा, इसको अनुमति देनी चाहिए, वी शुड अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इन मोर क्वांटिटी, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल आएगा उतना ज्यादा कंपनी के पास पैसा होगा, तो नेटवर्क, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, वो सब बढ़ेगा। तो आगे हमने जो देखा इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भारत के इंडिकेटर्स बहुत कम है कंपेयर टू चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ये मान के चलना कि ये लोग क्लाइंट का पैसा लेकर सारा सब जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि IRDAI ने सब नियम बना के रखे हैं कि कौन से शेयर बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर अपील में जाना हो तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो कोई बदमाशी होने के चांस कम है। तीसरा, ये सब पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के रूप में काम करते हैं, उसमें कंपनीज एक्ट में आप जानते होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, ऑडिटिंग नॉर्म होते हैं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म, तो धांधली होगी उसके चांस कम है। और चौथा, अगर भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को इतना सारा कैपिटल में पैसा मिलेगा तो वो अपने साइज को और बड़ा करेंगे, भारत ही नहीं नेपाल, बांग्लादेश, वहां भी जाके अपनी पॉलिसी बेच सकते हैं और वहां से सब्सक्रिप्शन का पैसा भारत की इकोनॉमी में ला सकते हैं, और वही पैसा वो लोग भारत की इंश्योरेंस कंपनियां, भारत के अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है वगैरह। तो ये सब देखते हुए लेटेस्ट बजट 2021 में ये कहा कि हम लोग इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सुधार करेंगे, जिससे कि भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो 49% थी बढ़ाकर 74% किया जाएगा, और उसमें कुछ सेफगार्ड्स भी रखे गए हैं, कुछ शर्तें सावधानी के लिए। पहली शर्त, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ज्यादातर सदस्य और साथ ही साथ की मैनेजमेंट पर्सन, मतलब कंपनी का CEO, CFO वगैरह ऑफिसर्स, दे मस्ट बी रेसिडेंट इंडियंस, भारत के निवासी होने चाहिए। मतलब मान लीजिए कुछ नियम बना जाए कि 180 डेज या जो भी 230 डेज, इतने दिनों तक उसने भारत में रहना होगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि सब ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप चलता रहे, उन्होंने भारत में रहना होगा। दूसरा, एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, वो कंपनीज एक्ट में हमने आगे पढ़ा था, ऐसा आदमी जो कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करे, इसलिए उसको नियुक्त किया गया हो, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा, ये कंपनियों को जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ उन्होंने जनरल रिजर्व में रखना होगा, मतलब ऐसा कोई बफर स्टॉक बनवाया जाएगा उनसे
जहां पर वो पैसा रहे ताकि अगर कंपनी कोलैप्स भी हो जाए तो वो सब की मदद से सब सेटल किया जा सके। तो अचानक से धांधली हो जाएगी और सब इधर उधर इन्वेस्ट करके भाग जाएंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑलराइट, तो ये बात की गई इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कि वहां फॉरेनर्स अप टू 74% शेयर होल्डिंग और भारत के अपने लोग जो होंगे उसके पास 26% है। दिस इज वन थिंग मित्रों। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी के नीचे भी कुछ चीज होती है। एक होते हैं उसके एजेंट ब्रोकर, पॉलिसी बेचते हैं। फिर होते हैं सर्वेयर, लॉस असेसर्स। मान लीजिए आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो हेडलाइट टूट गई, उसका 500 रुपये लगेगा या 2000 रुपये लगेगा, कितना कार इंश्योरेंस कंपनी ने देना है वो तय करने के लिए उसके ऑफिसर्स होते हैं, जिसे हम कहें सर्वेयर या लॉस असेसर। तीसरा होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, आपको जो भी सुविधा दे रहा है उसको हम कह रहे हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको रिपेयर करवा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे रही, तो कार रिपेयर शॉप क्या है, इट इज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो नीचे कंपनियां मैंने गिनवाई, एजेंट ब्रोकर, लॉस असेसर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, अगर कोई ये इनको हम कहते हैं इंटरमीडियरी कंपनीज, अगर कोई ऐसी इंटरमीडियरी कंपनी चला रहा है तो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, वहां तो पहले एक जमाने में थी 49%, लेकिन उसको बढ़ा के 100% कर दिया था और ये काम तो 2021 बजट से पहले ही हो गया था। तो एमसीक्यू में ध्यान रखना है इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनीज तो कितना एफडीआई 100%, इंश्योरेंस कंपनी खुद तो कितना 74% एफडीआई। तो इधर ये इंश्योरेंस का खेल खत्म। दूसरा मुद्दा है पेंशन, वो भी देखते हैं, मैं पानी पी लूं। थोड़ी स्लाइड है तो अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम इस किस्से को अब खत्म कर लेते हैं। इंश्योरेंस के अपडेट देखिए, पेंशन के अपडेट देखते हैं। पेंशन की अलग अलग योजनाएं हमने पुराने फुल लेंथ कोर्स में देखी थी कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है उसमें सीनियर सिटीजन, तो उसके लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है जिसमें करीब 1.5 लाख से लेकर 15 लाख इन्वेस्ट करो, उसमें करीब 7-8% आपको ब्याज मिले, ये सब LIC में आप कर सकते हैं। मिडिल क्लास पर्सन है, यंग पर्सन है, खुद के पैसे से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS है, आप उसमें पैसा भरो, अलग अलग कंपनी के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, आपको पेंशन मिलेगा। अगर कोई लोअर मिडिल क्लास पर्सन है तो उसके लिए अटल पेंशन है, फिर श्रम योगी मानधन, किसान मानधन, लघु व्यापारी मानधन, वो सब ऐसी होती है आप पैसा देंगे गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, फिर आपको रिटायरमेंट एज पे 3000 रुपये मिलेंगे, आप मर गए फिर आपकी पति या पत्नी को 1500 रुपये मिलेंगे पर मंथ पेंशन वगैरह वगैरह। उन सब के नीचे भी एक होता है ऐसे गरीब लोग जो सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं देना चाहें तो भी उनको पेंशन की सुविधा मिले, जिसके लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो अलग से। खैर, जानने लायक मुद्दा जिसमें अपडेट आए वो क्या है, EPFO क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आगे हमने जो पड़ी संस्था है जैसे LIC, ESIC, वो सब क्या थे, स्टैचुटरी कॉरपोरेशन, अलग कानून से बने थे, ये भी अलग कानून से बना है। इसकी तीन योजना होती है, एक होता है प्रोविडेंट फंड, तो आप ऐसा सोचिए कि एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आपने 10-15 साल तक पैसा डाल दिया, उस पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिर होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, तो मतलब मरना जरूरी है तो आपको फिर फैमिली को पैसा मिले। तीसरा होता है पेंशन, तो मतलब आप रिटायरमेंट एज पे जाएंगे तो हर महीने आपको कुछ पेंशन मिलेगा। तो ये EPFO किसके लिए है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे मजदूर जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है उनके लिए ये लीगली कंपलसरी है। उसके ऊपर कोई 50,000 सैलरी वाला है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी नहीं है, इनके लिए कंपलसरी है। तो 15,000 या उससे कम सैलरी वाले जो भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का 12% कटेगा, मालिक काटेगा, EPFO में डालेगा। ये जो पैसा गया वो जाएगा EPF प्रोविडेंट फंड में, जिसमें करीब 8.5% आपको ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कुछ साल बाद वापस मिलेगा।
मान लीजिए लिखा हो कि 15 साल, उसे पहले भी आपने विड्रो करना हो तो कर सकते हैं, सपोज कि बच्चे का कॉलेज एडमिशन करना है, शादी है, घर बनाना है वगैरह। दिस इज वन पार्ट। दूसरा, मालिक ने आपके सैलरी का 12% काटा है तो साथ ही साथ मालिक ने अपने पॉकेट से भी 12% ईपीएफओ में डालना है, तो मतलब कुल मिलाकर कितना जा रहा है, 12 + 12 यानी कितना 24। कह रही है जो मालिक का पैसा जा रहा है 12% उसके पॉकेट से, इट विल गो इनटू टू पार्ट्स। उसमें से 3.67% जाएगा प्रोविडेंट फंड में, वो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, समझो एक टाइप का लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका। तो ये येलो कलर वाला मतलब वो सब गया प्रोविडेंट फंड में, और बाकी ये मालिक ने जो 12% कंट्रीब्यूट किया उसका 8.33% वो जाएगा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो पेंशन आप समझते हैं, रिटायर्ड एजमेंट पे आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम मिलती रहे। ये सब तो चल ही रहा था, इसमें नया अपडेट क्या है, 2016-17 में सरकार एक रोजगार प्रोत्साहन योजना लाई थी जिसमें ये कहा गया कि कंपनी वाले अगर किसी को नई नौकरी देंगे तो पहले 3 साल के लिए ये जो मालिक ने अपने पॉकेट से 12% कंट्रीब्यूट करना होता था वो उसने नहीं करना होगा, गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूट करेगी ताकि सबको रोजगार मिले और मालिक सोचे हाँ चलो इतना काम तो मेरा सरकार कर रही है। खैर वो तो पुरानी चीज हुई। उसके बाद क्या आया, कोरोना। कोरोना 2020, उससे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी आत्मनिर्भर भारत 3 बार लॉन्च किया गया, एक मई के महीने में, फिर अक्टूबर के महीने में, और तीसरा नवंबर में 3.0। तो ये मई के महीने में क्या हुआ एक बात, और फिर नवंबर में क्या हुआ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये दो चीज हमको देखनी है। आत्मनिर्भर भारत ईपीएफओ रिफॉर्म, सबसे पहले ये मई या उसके आसपास जो किया गया नवंबर से पहले, उस वक्त ये कहा कि ईपीएफओ में कोई स्मॉल फॉर्म है, छोटी कंपनी जिसमें 100 लोग तक काम करें, मतलब 10-20-50 करके 100 तक काम कर रहे, तो कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है, 12% वर्कर 12% बॉस। गवर्नमेंट ने ये कहा ये कुल मिलाकर कितना 24%, तो तुम लोग बाजू अट जाओ, ये सब गवर्नमेंट ईपीएफओ को देगी फॉर एक्स मंथ, मान लीजिए 4 महीने 6 महीने। जो छोटे कारखाने के मजदूरों के लिए ईपीएफओ की पूरी रकम, उसकी भी नहीं कटेगी, उसके बॉस की भी नहीं कटेगी, गवर्नमेंट अपने मतलब टैक्स पेयर के पॉकेट से देगी, और ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं कुछ महीनों के लिए, एक बात हुई। फिर मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री या कारखाना या जो भी है जहां पर 100 से ज्यादा मजदूर हैं, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसा ईपीएफओ को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मजदूर और मालिक ने करना होगा, लेकिन कोरोना है, सैलरी कम है, प्रॉब्लम्स है, तो 12% नहीं सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करो। कंपनी के मालिक को भी कहा आपने भी 12% नहीं 10% कंट्रीब्यूट करो, मतलब कितना 20% कुल जाएगा, पहले कितना जाता था 24%। तो हाथ में थोड़ी रकम आपके पास ज्यादा बचेगी, तो उस हिसाब से वो मजदूर थोड़ा शॉपिंग करेगा या कोरोना में उसको थोड़ी राहत रहेगी, दैट वॉज द आइडिया। तो ये तो आत्मनिर्भर में शुरू शुरू में बोला। उसके बाद बड़ा अनाउंसमेंट आता है नवंबर 2020 में, जिसको कहा गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका आइडिया क्या है, ऐसा कोई वर्कर जिसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है और उसका ईपीएफओ में अभी खाता खोल रहा है, मतलब ये ऐसा समझो कि जीमेल में आपने अभी अभी पेटी पैक नया ईमेल अकाउंट खोला है, इसको लाभ मिलेगा, यस। दूसरा, पुराने ईपीएफओ वर्कर जिनकी नौकरी कोरोना में चली गई लेकिन बाद में उनको कोई नौकरी मिल गई, सपोज कोरोना में 1 मार्च से लेकर 30 September 2020 की हम बात करें, आपकी नौकरी चली गई होगी, तो ये ऐसी बात है कि आपने जीमेल अकाउंट बनाया लेकिन कुछ महीने तक ईमेल एक्सेस नहीं कर पाया, आपका नेट ही बंद था, उसी तरह इसमें क्या होगा, कुछ महीने ईपीएफओ में उसने पैसा वो 12 इसका और मालिक का 12 वो गया ही नहीं होगा, तो इसका अकाउंट इनएक्टिव होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उसको कुछ नई नौकरी मिल गई उसी कंपनी में या किसी और कंपनी में, तो वापस उसका ईपीएफओ अकाउंट रिवाइव हो गया होगा और उसमें फिर पैसा जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे दोनों ही टाइप के वर्कर को लाभ मिलेगा किसका, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का। इसका सेलियंट फीचर क्या है, बहुत आसान, अगर कोई स्मॉल फॉर्म है जिसमें 1000 तक मजदूर काम करते हैं, तो मजदूर के पॉकेट से 12% सैलरी और मालिक ने अपने पॉकेट से 12% मतलब कुल मिलाकर 24% ईपीएफओ को देना था, गवर्नमेंट ने कहा तुम लोग बाजू हट जाओ, आई विल पे दिस,
तो ये दोनों ने पे नहीं करना, उतना पैसा गवर्नमेंट अपने पॉकेट से ईपीएफओ में जमा करेगी. सो दैट इज डन. मान लीजिए कोई लार्ज फर्म है जैसे रिलायंस, रिलायंस की रिफाइनरी, वहां पर करीब 40,000 लोग काम करते. तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये जो मजदूर है उसकी सैलरी का 12% कट नहीं होगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी. और सामने मालिक ने अपने पॉकेट से देना है तो जवाब है हाँ वो देना है. सो दैट मीन्स फॉर द लार्ज फर्म्स गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट ओनली द वर्कर्स पोर्शन ऑफ 12% और मालिक के पोर्शन का 12% तो वो मुकेश अंबानी ने खुद से ही अपने पॉकेट से देना होगा. लेकिन फिर भी मजदूर को थोड़ी राहत मिली. तो बस इसको दिमाग में कैसे हजार हजार और फिर ये चार स्क्वायर बना दो, तीन में टिक कर दिया, हो गया एमसीक्यू. जो जिसको जो पूछना हो अब आप सॉल्व कर सकते प्रश्न. ये कोरोना में आपने पढ़ा दिया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो उससे पहले जो अभी पढ़ाया कुछ स्लाइड पहले कि स्मॉल फर्म और लार्ज फर्म और इधर 10+10 वो सब का क्या हुआ भाई? वो सब गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में ढिंढोरा पीट के नहीं बताया, तो हमने गूगल सर्च बहुत करने की जरूरत नहीं. मेन चीज क्या है, जब एमसीक्यू भी बनेगा तो मेन चीज क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. इससे पहले जो था कि ये कुछ महीनों तक 10-10% कंट्रीब्यूट करना है वगैरह, वो क्या और कब कितना खत्म हो वो डोंट वरी सो मच, एक एक लाइन में याद रखो. मेन चीज अब ये है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अब 2000 वर्कर तो 12-12, उससे बड़ी कंपनी तो मालिक वर्कर का 12% गवर्नमेंट पे करेगी, मालिक का 12% मालिक ने खुद पे करना है, दैट इज द थिंग. इससे फायदा क्या हो, लोगों को रोजगार मिले, उनके हाथ में थोड़ा पैसा बचे, वो जाके शॉपिंग करे, डिमांड हो इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़े, जॉब क्रिएट हो, जीडीपी हो वगैरह. वापस आते ईपीएफओ में, मैंने आपको बताया ये जो पैसा कट हो रहा है वर्कर का 12% वो जा रहा है ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में, जिसको आप एक प्रकार से सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट स्कीम है. तो उस पर प्रिंसिपल वापस होगा यस, और इंटरेस्ट मिलेगा यस. प्रश्न, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जवाब, वो कौन तय करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि ईपीएफओ कानून के हिसाब से ऐसी एक संस्था होती है जहां पर वो लेबर मिनिस्ट्री और दूसरे सब अलग अलग प्रतिनिधि होंगे वर्कर के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो हर साल तय करते हैं कि ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए. 2019 में क्या था, 8.5% या 8.50%, 2020 में कितना, 8.50%. तो ये कम क्यों है? मतलब एक जमाने 2010 में तो 9.50 के आसपास था. कम इसलिए है क्योंकि ईपीएफओ ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आईएलएफएस वगैरह में किया, वो लॉस में चल रहा है और कोरोना के चलते. हालांकि कोरोना में भी आप पाएंगे, पिछले ही लेक्चर में याद करो हमने पढ़ा था कैसे कोरोना के लेटर पार्ट में तो शेयर बाजार ऊपर चला गया, सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर जाता है, ये निफ्टी 15,000 के आसपास चलता है, और सब आईटी सेक्टर, टेक कंपनीज, फार्मा कंपनीज के शेयर तो बहुत अच्छे प्राइस में चले. तो अगर कोई दिमाग लगा कि इन्वेस्ट करता तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. लेकिन ईपीएफओ क्या है, सरकारी संस्था, और वहां पर भी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वो बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवादी होते हैं. तो वो ज्यादातर तो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम पैसा शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पर भी ऐसे शेयर मतलब जो सरकारी कंपनी वगैरह उसी में चला गया, आईटी टेक फार्मा कुछ लेटेस्ट चल रहा उसमें इन्वेस्ट करें, नहीं नहीं वो रिस्क नहीं लेना है, या मतलब सो एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स. ऐसी भी कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है. तो हमने पढ़ लिया इंश्योरेंस यस, पेंशन यस. आखिरी मुद्दा बचता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, थोड़ी चीज है वो हम लोग जब अगली बार इस लेक्चर सीरीज में मिलेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पिलर दैट इज बजट. उसमें क्या है, जीएसटी, इनकम टैक्स, फिर ये कुछ नया फेसलेस असेसमेंट, टैक्स चार्टर बनाना चाहिए, टैक्स ओम्बड्समैन होना चाहिए, फिर 15 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट नंबर 2 2021-26 के लिए वो सब मुद्दे क्या है वगैरह वगैरह आगे बढ़ते जाएंगे. सो इट इज टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 53. तो कार्यक्रम आगे का क्या है, ये 6 अप्रैल आज का कार्यक्रम खत्म. अगले मंगलवार भी मिल रहे 13 अप्रैल, लेकिन वो टॉपिक अलग होगा, मृणाल्स कैटलॉग ऑफ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन यूपीएससी इंटरव्यूज, इंटरव्यू में क्या गलतियां ना करें, क्योंकि अभी यूपीएससी के इंटरव्यू का सब कार्यक्रम चल रहा है, वो देखेंगे. उसके बाद वाले मंगलवार वापस मिलेंगे 20 तारीख, तब क्या होगा, तब ये इकोनॉमी में वापस आएंगे, और उसमें ये विन 21 सीरीज में आगे के मुद्दे देखेंगे, बजट, 15 फाइनेंस कमीशन वगैरह. इसके अलावा क्विज के नाम पर मृणाल्स मंडे, जिसमें 20 एमसीक्यू की क्विज होती है, और रविवार को यूपीएससी पबजी कॉम्बैट, जिसमें 60 एमसीक्यू होते हैं, ये क्विज भी दीजिए, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाए, और इनाम लगे तो उसमें सब पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जीत सकते हैं वगैरह. सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फुल लेंथ कोर्स भी चल ही रहा है,
If you are interested, you can join it. UPSC prelim means dono ke liye economy, cover ho raha hai theory, current issues, contemporary, sab kuch. और साथ ही साथ हर बुधवार को उसकी क्विज होती है, जितना पुराने वीक में हमने पढ़ा होता कि आपको सब लाइव रैंकिंग में पता चले आप कहां पर हैं और आप उतनी ज्यादा तैयारी करें. और ये साथ ही साथ उसके सब हैंडआउट जहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स का हिंदी ट्रांसलेशन आसानी से सब समझ में आए, याद रह सके. जैसे अमेजोन नेटफ्लिक्स वगैरह का होता है उसी तरह ये एक फीस में सारे शोज अनलॉक हो जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरमेंट वगैरह, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह भी. और मैंने ये नई नीति बताई आपकी, एक साल के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो अप्रैल से अप्रैल तो होगा ही, लेकिन मान लीजिए प्रीलिम अगर जुलाई में हो तो उतने महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री में ये लोग पेड सब्सक्रिप्शन देंगे, फिर जुलाई नहीं अगस्त में हो जाए तो उतना और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे वगैरह. उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के सब टीचर्स वो भी सब कोर्सेज चल रहे हैं, और एटलीस्ट आप उनके स्पेशल क्लास तो अटेंड करें जो फ्री में होते हैं, और सब सुनिए कि क्या स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर के क्या मॉडल आंसर के बारे में वो बता रहे हैं, इट विल हेल्प यू. बाइलिंगुअल कोर्सेज भी हैं, शुद्ध हिंदी में भी, शुद्ध इंग्लिश में भी. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पर पर्सनल कोच असाइन किया जाए जो आपकी सब डाउट क्वेरी सॉल्व करे, मीन्स आंसर राइटिंग इवेल्युएट करे वगैरह. एंड यू कैन यूज द कूपन कोड mrunal.org ड्यूरिंग द चेकआउट, सो इंजॉय इट. और कोरोना चल रहा है भाई, बाहर कम निकलिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और अगले हफ्ते मिलते हैं.